यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया। माफिया अतीक अहमद के पूरे खुनबे को मिट्टी में मिला दिया। अतीक की माफियागिरी का अंत ऐसे होगा ये अतीक के दुश्मनों ने भी नहीं सोचा होगा। अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक गैंग के गुर्गे ने पुलिस को मुखबिरी की। पक्की खबर मिली कि 2 महीने से फरार चल रहे 5-5 लाख के इनामी गैंगस्टर असद अहमद और गुलाम झांसी में है। सादे कपड़ों में यूपी एसटीएफ की टीम ने रात भर झांसी के कई इलाकों में छापेमारी की। दोपहर करीब 12 बजे झांसी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर बड़का गांव में परीछा डैम के पास यूपी एसटीएफ और असद का आमना सामना हो गया। असद और गुलाम एक बाइक पर भागने लगे। एसटीएफ की टीम ने उनका पीछा किया तो असद और गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एसटीएफ की टीम पूरी तैयारी से आई थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। जिस वक्त मुठभेड़ हुई तब असद और गुलाम के पास विदेशी और ऑटोमेटिक हथियार थे, लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम के सामने माफिया के हथियार काम नहीं आए। मुठभेड़ के दौरान 40 राउंड फायर हुए। पुलिस टीम पर फायरिंग करना असद और गुलाम को बहुत महंगा पड़ गया। अत्याधुनिक विदेशी हथियार क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। असद और गुलाम को पकड़ने के लिए 12 पुलिस वालों की 2 टीम लगी थी। एक को प्रयागराज यूनिट के डिप्टी एसपी नवेंदु सिंह लीड कर रहे थे। दूसरी टीम को लखनऊ एसटीएफ के डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह लीड कर रहे थे। असद अहमद और उसके शूटर साथी गुलाम का यूपी पुलिस पिछले 2 महीने से पीछा कर रही थी। वो बार बार ठिकाना बदल रहा था। पुलिस ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया था। इन 2 महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि यूपी पुलिस असद और गुलाम के गले तक पहुंच गई, लेकिन वो बार बार पुलिस को चकमा देते रहे। झांसी में किस्मत ने अतीक अहमद के बेटे का साथ नहीं दिया। अब देखिए असद और गुलाम कैसे 2 महीने तक यूपी एसटीएफ के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते रहे, कैसे वो प्रयागराज से भागकर झांसी तक पहुंचे और फिर योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उमेश हत्याकांड के बाद असद और गुलाम बाइक पर बैठकर कानपुर पहुंचे। कानपुर से बस में बैठकर असद और गुलाम नोएडा डीएनडी पहुंचे। यहां से ऑटो में बैठकर दोनों दिल्ली के संगम विहार पहुंचे। दिल्ली के संगम विहार में असद और गुलाम 15 दिन रुके थे। दिल्ली के बाद दोनों अजमेर पहुंचे और अजमेर से झांसी गए। झांसी में दोनों एनकाउंटर में मारे गए। 24 फरवरी को दिन दहाड़े प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके 2 गनर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अतीक के गुर्गों ने खुलेआम फायरिंग की, बम फेंके और फरार हो गए। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसके तुरंत बाद यूपी पुलिस का ऑपरेशन माफिया को मिट्टी में मिलाव शुरू हो गया। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई। पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ। बदमाशों की कार चलाने वाला अरबाज मारा गया। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ, जिस विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी, उसे एसटीएफ ने ढेर कर दिया। तीसरा एनकाउंटर आज 13 अप्रैल को हुआ। इसमें उमेश पाल पर फायरिंग करता दिख रहा अतीक का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम मिट्टी में मिला दिए गए हैं। इनके अलावा अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर बुलडोजर से मिट्टी में मिल चुके हैं। जिस वक्त झांसी में एनकाउंटर चल रहा था, ठीक उसी वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। जैसे ही अतीक को बेटे की मौत की खबर मिली, वो कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगा। भतीजे के एनकाउंटर की खबर सुनते ही अशरफ भी सन्न रह गया। अतीक अहमद बार बार अपने बेटे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताने लगा। कोर्ट से बाहर आते वक्त उसने कहा कि सब उसकी वजह से ही हुआ है। जब पेशी के बाद अतीक कोर्ट से बाहर निकला तो उस पर जूते और पानी की बोतल भी फेंकी गई। आज अतीक अहमद अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को बता रहा है, लेकिन उमेश पाल के मर्डर के बाद इसी अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को शेर कहा था। उमेश पाल मर्डर में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। ये सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज हो गया था। उसने शाइस्ता परवीन को डांटते हुए कहा था कि असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। अब तुम बेवजह बात करके मेरा मूड ना खराब करो, सब मैनेज हो जाएगा। अतीक की माफियागिरी और पूरा कुनबा मिट्टी में मिल गया है। अब अतीक की बारी है। अतीक की रिमांड कॉपी से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है।
पता चला है कि माफिया अतीक पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। उसके लिए पाकिस्तान से बने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे। ड्रोन के जरिए हथियार पंजाब में गिरा दिए जाते थे। उमेश पाल और उसके सरकारी गनर की हत्या करने वाले असद, गुलाम, अरबाज और उस्मान ढेर हो चुके हैं। अब सिर्फ बचा है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी वीडियो में ताबड़तोड़ बम फेंकता दिख रहा यही बमबाज है गुड्डू मुस्लिम। लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस के रडार पर है। यूपी पुलिस की गोली अतीक के सबसे खास गुर्गे को ढूंढ रही है। असद और गुलाम के बाद गुड्डू का नंबर कभी भी आ सकता है। अब देखिए कैसे अतीक अहमद का पूरा कुनबा मिट्टी में मिल चुका है। माफिया अतीक अहमद जेल में है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पहला बेटा उमर 2 लाख का इनामी बदमाश रहा है और लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली हत्या की कोशिश के मामले में नैनी जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद का आज झांसी में एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर कर दिया। चौथा नाबालिग बेटा आजम उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पांचवा नाबालिग बेटा अबान भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। जिस यूपी एसटीएफ की टीम ने माफिया अतीक के बेटे और शूटर गुर्गे का एनकाउंटर किया, उसके मुखिया एडीजी एसटीएफ ने TV9 भारत वर्ष पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए अतीक की माफिया गिरी को मिट्टी में मिलाना जरूरी हो गया था। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था, क्योंकि अगर इस तरह से गवाह मारे जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गवाही देने को तैयार नहीं होगा। बाहुबली अतीक अहमद, जिसे शेर बेटा कहता था, वो चाचा अशरफ का सबसे चहेता भतीजा था और जो खुद हथियारों का शौक रखता, आखिरकार वो भी मारा गया। असद अहमद मिट्टी में मिल चुका है। असद का एक गुनाह उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया, जबकि असद अहमद गुनाहों की दुनिया में वही नाम कमाना चाहता था जैसा उसके पिता अतीक अहमद का था। यही वजह थी कि जब से अतीक अहमद जेल में था और उसके दोनों बड़े भाइयों ने सरेंडर कर दिया था, तब से असद अहमद ही अतीक अहमद की जुर्म से सनी विरासत को संभाल रहा था। कारोबार से लेकर सियासत तक हर छोटा बड़ा फैसला असद अहमद ही ले रहा था। हाँ, इतना जरूर था कि वो अपनी माँ शाइस्ता से राय शुमारी जरूर करता था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले असद अहमद पर कोई केस दर्ज नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि असद अहमद का गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। प्रयागराज में असद अहमद के गुंडागर्दी और मारपीट के किस्से आम थे। यह अलग बात थी कि पिता अतीक अहमद के रसूख की वजह से लोग उसके खिलाफ केस दर्ज कराने में डरते थे। एक बार असद अहमद ने रस्साकशी प्रतियोगिता में हारने के बाद रेफरी बने टीचर की पिटाई कर दी थी, क्योंकि असद अहमद अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसीलिए उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा और रेफरी को पूरी क्लास के सामने पीट डाला। लेकिन अतीक अहमद का बेटा होने की वजह से स्कूल प्रबंधन ने केस दर्ज नहीं कराया था। इतना ही नहीं, टीचर ने भी डरकर असद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था। असद अहमद ने प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी। असद उस वक्त अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट था। असद स्वभाव से काफी गुस्सैल था। अक्सर स्कूल से उसके लड़ाई झगड़े की खबरें आती रहती थी, लेकिन खुलकर कोई भी असद के खिलाफ नहीं बोल सकता था। असद के पिता अतीक अहमद लगातार सांसद बनते आ रहे थे। लोग अतीक अहमद को सांसद जी और असद अहमद को छोटे सांसद कहा करते थे। असद अहमद स्कूल के वक्त से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। बाकायदा कई मारपीट के मामलों में फैसला भी कराया करता था। कुछ दिनों पहले असद का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें असद एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो में साथ में बैठे परिवार के लोग बार बार कहते सुनाई दे रहे हैं, और चलाओ। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो साफ बताता है कि कैसे अतीक अहमद अपने बच्चों को शुरुआत से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। असद स्कूल के दिनों में ही पिस्टल और दूसरे हथियार चलाना सीख गया था। वो लगातार प्रैक्टिस भी करता रहता था। यही वजह थी कि उमेश पाल हत्याकांड में एक शार्प शूटर की तरह उसने गोली चलाई थी। असद ने इसी साल लखनऊ के कॉलेज से 12वीं की परीक्षा दी थी। अभी रिजल्ट नहीं आया है। असद पढ़ाई में ठीक था। उसे जानने वाले बताते हैं कि वो वकील बनना चाहता था। कानून की पढ़ाई करने के लिए वो विदेश जाना चाहता था, लेकिन फैमिली के क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हो पाया था। साल 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो माफियाओं के बुरे दिन आ गए। अतीक के खिलाफ भी एक्शन शुरू हुआ।
अतीक का किला ढहने लगा। अतीक और उसके पूरे गैंग पर यूपी पुलिस ने जैसे ही कानून का शिकंजा कसना शुरू किया, डॉन का दबदबा भी खत्म होने लगा। अतीक का बारूदी साम्राज्य मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए, तो आपको डर है क्या मिट्टी में? यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने की कहानी तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अतीक के लिए एक घटना काल बन गई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसे देखकर पूरा इलाका थर्रा उठा था। दरअसल उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी माफिया अतीक पर ही लगा। उमेश पाल हत्याकांड के अगले ही दिन अतीक के साथ ही उसके गैंग के कई शूटरों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस अतीक के बेटे असद समेत 5 शूटरों की सरगर्मी से तलाश करने लगी थी। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा। यूपी में अतीक के आपराधिक कुनबे को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, माफिया के सुर बदल गए हैं। माफियागिरी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। एक जमाने में यूपी में राजनीति और माफिया का चोली दामन का साथ था। उसी दौरान अतीक के आतंक का भी उदय हुआ था, और देखते ही देखते एक गली का गुंडा माफिया डॉन बन गया। लेकिन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब अतीक और उसके गैंग के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई शुरू की, तो अतीक के आतंक का किला ढहना शुरू हो गया। यूपी में जब से माफिया को मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू हुआ है, अतीक जैसे डॉन भी अपने गुनाहों का कलमा पढ़ने लगे हैं। अतीक पुलिस के सामने एक एक करके अपने जुर्म कबूल कर रहा है। जेल से ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने से लेकर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI तक से अपने रिश्तों को अतीक तोते की तरह उगल रहा है। सच कहें तो माफिया डॉन अतीक के पतन की कहानी विधायक राजू पाल की हत्या से ही शुरू हुई थी। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। राजू पाल के मर्डर से लेकर उमेश पाल की हत्या अतीक के कुनबे के लिए काल बन गई।